verbally, mentally, and with every emotion, right? And then if you want someone else to be converted into your aqeedah or into your faith or into your belief, then first show the action. With words, I don't think so we can extend this. I understand what was in your mind. And in my opinion, Khalil sahab, what would you say? If we don't have someone, हम किसी का अकीदे को छेड़ते नहीं है, मगर हम लोगों को दावत दे सकते हैं कि जी मेरे पास ये सवाल है, कुछ इसके जवाब दे दे और आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं जो कह रहा हूं आपसे, आपके ख्याल में आपकी अकल मानती है, तो आप फिर उस पर ईमान लाते हो। तबलीग का जो तरीका, और लोग बड़ी अच्छी तरह करते हैं तबलीग, मगर उरूज का जो सवाल है, उस सवाल में आप क्या जवाब देंगे? मैं इसको मैं कह रही हूँ कि मतलब क्या इंसान क्या सिर्फ लफ्ज बहुत है किसी का अकीदा चेंज करने के लिए, अमल भी साथ साथ दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। देखिए, अकीदे में अगर किसी को आप दावत दे रहे हैं, तो हमारे अगर माशरे में देखें तो आजकल ये बहुत ही बिल्कुल न होने के बराबर है, खत्म हो रहा है ये चीज, जिसकी वजह से इख्तलाफात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा था कि किसी के अकीदे से छेड़े नहीं, अपने अकीदे को छेड़ने नहीं दें, ये बात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। इसकी क्या कहते हैं, ये सही नहीं है। क्यों? अगर आप किसी के अकीदे के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, तो हकीकत तक आप कैसे पहुंच जाएंगे? ठीक है, कि हकीकत क्या है? फर्ज करें मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं कि अभी दिन है, मैं कहता हूँ अभी दिन है, और कोई मुझसे सवाल ना करे, कैसे आप कह सकते हैं ये दिन है? भाई ये तो अंधेरा है, रात है। जब तक ये मुझे कुछ सवाल नहीं करेगा, तब तक क्या कहते हैं उसको यकीन नहीं आएगा, क्या ना मैं उसको कुछ अपना पैगाम पहुंचा सकूंगा। ठीक है, एंड दैट मींस कि हमें कम्युनिकेशन करना जरूरी है, जरूरी है कम्युनिकेशन करना, बट कम्युनिकेशन के लिए अगेन डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, अभी बहुत सारे सवाल मेरे जहन के अंदर है कि अगर आपको किसी से डिस्कशन करना है, तो किसी के अकीदे को हर्ट किए बिना या छेड़ने की जहां तक बात मुझे लगता है मोहम्मद अकरम साहब की ये थी कि आप डिस्कस जरूर करें, लेकिन उसकी उस हद तक ना डिस्कस करें, उस हद तक ना छेड़ें उस चीज को कि वो फिर चेंज होने की जगह वो एग्रेसिव हो जाए। सो वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक, प्लीज कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज़ ऑन, बिकॉज दिस इज अ रियली गुड डिस्कशन, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजीन, और बड़ी ही हमारी एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही थी, और उस फ्रूटफुल डिस्कशन को मैं चाहती थी कि हम उसको मजीद भी बढ़ाएं, लेकिन टाइम की कुछ ना कुछ कमी तो हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि हम बातें शायद कुछ ज़्यादा ही, हमारी डिस्कशन कुछ किसी और ही डायरेक्शन और किसी और ही डेप्थ में चली जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रैपअप करें। अगर मैं आपसे पूछूँ सर कि आप रैपअप करें इस चीज़ को, कि आपके लिए, आपकी नज़र में अकीदा आपका किस डेफिनेशन के ऊपर अकीदा है, अकीदे की sure. आप मुझे बताएं। मैं आपके जवाब देना चाहूंगा। हाँ। पहले तो मैं करेक्ट करूंगा, जुमला जो मैं कह रहा था वो है कि नेवर ट्राई टू मेक एनीवन लाइक योरसेल्फ, यू ओनली नो एंड गॉड नोज दैट वन ऑफ यू इज एनफ। तो हम एक दूसरे को, जैसे आपने कहा था बड़ा अच्छा सवाल, कि एक घर में आप क्योंकि रह रहा हो तो उसको आप चेंज करना चाहें, तो मेरे घर में एक शिया बच्चा रहता है, मैं सुन्नी हूँ, मैं उसको कभी चेंज करने की कोशिश नहीं करता, वो मेरे अमल से जो कुछ देखता होगा अच्छा होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरे सवाल का जवाब आपको ये देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक जब आए थे, तो अगर वो ना छेड़ते अकीदों को दूसरों को, तो आज हमारा आप मुसलमान नहीं हो। तो अकीदे को छेड़ना जरूरी है, लेकिन अकीदे को छेड़ने का तरीका कुरान में बताया गया है कि आपने जब किसी से बात करनी तो बस नरम लहजे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बताइए सर, अगर मैं आपसे पूछूं अकीदे की डेफिनेशन। अकीदा बेसिकली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक नतीजे तक पहुंचने का एक जरिया है, तो अकीदा इंसान को उसकी हकीकत तक पहुंचा देता है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने, कमेंटर साहब ने बताया कि अकीदा जो है, जब तक रसूल खुदा ने आके अगर अकीदों पर बात ना कर लेते, तो आज कहते हैं इस्लाम वजूद में नहीं आता। तो यानी जिस तरह 124,000 नबियों ने हमें बताया कि अकीदा इस्लाम के हवाले से, यानी अल्लाह को एक मानने के हवाले से क्या अकीदा है, ठीक है, सब ने बताया, कहते हैं 124,000 अनबिया ने और किताबों ने भी यही बताया, कहते हैं अकीदा ये है कि आप एक अपनी हकीकत तक पहुंचने के एक जरिया बनाएं। ठीक है, अकीदे में तंग नजरी नहीं होनी चाहिए। उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो कि गांधी साहब ने 1937 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने कहा मैं तुमको सादगी की मिसाल देना चाहता हूँ, लेकिन राजा कृष्ण की नहीं,
میں حضرت عمر حضرت ابو بکر کی دینا چاہتا ہوں کہ جن کی سادگی کی مثال تاریخ سے ثابت ہے. صحیح, چلیں تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے شو پہ آنے کا, تھینک یو سو مچ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا اور اپنی انفارمیشن اور نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. جہاں تک میں نے سمجھا جو عقیدوں کے بارے میں اور عقیدے کو کسی کے بھی عقید اپنے عقیدے کو اسپریڈ کرنے کے بارے میں, پہلے تو عقیدے کے بارے میں جس چیز پہ آپ کا عقیدہ ہے یو شوڈ نو کمپلیٹ اباؤٹ اٹ. اف the information is not complete with you, so I believe کہ آپ کو دوسرے کسی شخص کا عقیدہ چینج کرنے میں بہت بڑی, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا عقیدہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو فرسٹ یو شوڈ نو دیٹ یو بلیو ان سم تھنگ دیٹ از ٹرو. اینڈ اگر آپ کو ایسا بلیو لگتا ہے تو آئی تھنک یو شوڈ بی اوپن ٹو ڈسکشن. واٹ ڈو یو سے؟ بالکل صحیح ہے, یہ ڈسکشن اس لیے اوپن کرنا ضروری ہے کہ سامنے والے شخص کو آپ جب تک دعوت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے عقائد اور عقیدوں کو ایکسپلور کرے. ٹھیک ہے, اچھا جیسا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے پورے ایک آپ نے بھی ایک بات کی کہ اگر وہ آتے ہی لوگ عقیدوں کو نہیں ٹچ کرتے, موو نہیں کرتے, انسپائرڈ نہیں کرتے لوگوں کو, تو یہ ہمارا مذہب اتنا جلدی اور اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جو آج تک پھیل رہا ہے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرنے کا طریقہ تھا وہ بھی ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے عقیدوں کو پھیلانے کے لیے. انہوں نے بحث نہیں کی, ہم نے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, ٹچ مووڈ اینڈ انسپائرڈ. پہلے 40 سال تک لوگوں کو ثابت کیا کہ یہ صادق اور امین ہے, جبکہ ضرورت نہیں تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے تو ثابت کیا, اور اس طرح ثابت کیا کہ پھر جو الفاظ نکلے منہ سے اس میں پاور. جو الفاظ نیچے کر آ جائیں تو آپ کے پاس جنات کے سوال کرنے کیوں آتے ہیں؟ بالکل صحیح, اس لیے کہ آپ نے 40-50 سال آپ نے محنت کی ہے, آپ نے ایک اپنے آپ کو بنایا ہے, تو لوگ مجھ سے پوچھے نہیں آتے جنات کے بارے میں, آپ کے پاس جاتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے عقیدے پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ جو خوشیاں زندگی میں ہمارے پاس ہیں ہم خوشیوں کو دوسروں میں بانٹے, پاکستان پائندہ بنائے.